सभी लोग पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना कि क्वेश्चन चाहे किसी का भी हो, शायद वो इश्यू या तो आपका हो चुका है या आपका रिजॉल्व हो चुका है या अभी भी इश्यू बना है बट आपने उसे लिखा नहीं है, तो सारे इश्यू को आप प्रॉपरली सुनना और उसका जो जवाब मैं बोलूंगा और आप लोग आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हो। और आज का डिस्कशन सिर्फ मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, काइंडली ट्रीट दिस इज ए ज्वाइंट ग्रुप डिस्कशन। ठीक है सर, स्टार्ट करें अपना आज का। सबसे पहले मैं अमित शर्मा जी के क्वेश्चन को लेता हूं। उन्होंने लिखा है कि GSTR 1 मार्च 17 का अमेंडमेंट अप्रैल में किया बट GSTR 9 में मार्च 17 वाला फिगर आ रहा है, प्लीज गाइड मी, कैन वी चेंज द टेबल नंबर 4A एंड अदर ऑप्शन, प्लीज गाइड। देखो GSTR 1 में सेल से रिलेटेड सारे डिस्कशन अभी कर ही लेते हैं पॉइंट में, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या। देखो पहला पॉसिबिलिटी, सिंपल पॉसिबिलिटी, हम सभी जानते हैं जो GSTR 9 में ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आ रहा है उसका बेस क्या है, उसका बेस है GSTR 1। डिपार्टमेंट ने खुद ने क्लेरिफाई किया कि जो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आ रहा है आप उसको बेस नहीं मानेंगे और बेस किसको मानेंगे, GSTR 3B को मानेंगे। दो या तीन पॉसिबिलिटी की बात वन बाय वन करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी, सर मैंने सेल GSTR 3B में सही दिखाया, GSTR 1 में भी सही दिखा दिया और 17-18 में दिखा दिया, सिंपल सिचुएशन है, कोई दिक्कत नहीं है, यू विल रिपोर्ट इन द GSTR 9 का टेबल 4, बात खत्म। सेकंड पॉसिबिलिटी, आपने GSTR 3B जब फाइल किया था तो कुछ सेल छूट गया था आपसे, आपने जब GSTR 1 फाइल किया उसको प्रॉपरली फाइल कर दिया, ये बात 17-18 की है, ये बात 17-18 में आपने खुद ने करेक्शन कर दिया है 17-18 में। अब आप क्या करते हो, उस जो छूटी हुई सेल को आप 18-19 में GSTR 3B के माध्यम से आप गवर्नमेंट को टैक्स चुका देते हो। क्लियर है सिचुएशन। मैंने GSTR 1 17-18 में सही दिखाया बट 1 लाख की मान लो सेल थी, उसमें 70,000 रुपये आपने 3B में दिखाया 17-18 में और 30,000 रुपये 3B में दिखाया अप्रैल से मार्च 19 के पीरियड में। आप लोग मुझे थोड़ा फास्ट रिप्लाई करें, ये जो अमेंडमेंट है मैं इसके लिए कहां पे रिपोर्ट करूंगा ट्रांजेक्शन को। हम वन बाय वन बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़े इश्यूज लेंगे पहले फिर वापस क्वेश्चन पे आएंगे। आप सभी लोग रिप्लाई भी एवरीवन में करोगे, प्राइवेटली करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला बात है जो 70,000 रुपए वो आपका टेबल 4 में जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। अब आपका जो एक्चुअल सेल है वो 1 लाख रुपए है, आपको ये देखना है 1 लाख माइनस 70,000 जो 30,000 बचा, क्या मैं उसको अप्रैल मार्च 19 तक रिपोर्ट कर चुका हूं GSTR 3B के थ्रू। अगर आपका आंसर यस आता है, मैं रिपीट कर रहा हूं वापस, आपका एक्चुअल सेल 1 लाख रुपए था 3B में, आपने 17-18 में 70,000 रुपए दिखा, बचा जो 30,000, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपने उस सेल को 3B में अप्रैल से लेके मार्च 19 तक 1 साल में दिखा दिया, अगर आपने दिखा दिया तो ये वाला पार्ट जाएगा टेबल 10 में, टेबल 10 अगर इंक्रीज है, और अगर रिड्यूस होता तो टेबल 11। उस वर्ड पे मत जाइए कि वहां पे अमेंडमेंट वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया है, तो हमें इसमें अब ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पहली पॉसिबिलिटी मैंने क्या कहा, जो कम छूटा हुआ था उसको मैंने टेबल GSTR 3B में दिखा चुका हूं, तो यू कैन पुट दैट अमाउंट इन टेबल 10 और टेबल 11। ये यहां तक किसी को कोई डाउट, 70 और 30 का बाइफरकेशन आंसर क्लियर है, ओके फाइन, लिटल इन इंग्लिश नो इश्यू। सर इफ आई हैव रिपोर्टेड 70,000 इन 17-18 एंड द बैलेंस 30,000 आई हैव रिपोर्टेड इन GSTR 3B फ्रॉम अप्रैल 18 टू मार्च 19, इफ दिस इज द केस देन व्हाट आई विल शो, 70,000 आई विल रिपोर्ट इन द टेबल 4 एंड द बैलेंस 30,000 आई विल रिपोर्ट इन द टेबल 10। ये एक बड़ा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, आप इस पॉइंट पे डिस्कस करें मेरे साथ में।
यहाँ पे बुक का रिकंसिलेशन नहीं आएगा, मुझे खाली रिपोर्ट करना है 70 और 30, 70 और 30, दैट आई रिपोर्टेड इन टू पार्ट. नाउ सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यू हैव नॉट डिस्क्लोज 30,000 एट ऑल टिल डेट. आपने वो 30,000 रुपए ना सर आज तक नहीं दिखाया, आपने वो 30,000 रुपए आज तक नहीं दिखाया. सर मैं भी एक काम करता हूं, आपके साथ मैं भी नोटबुक लेता हूं और कौन कौन से इश्यू मैं डिस्कस कर रहा हूं वो भी लिखता हूं, ताकि कुछ पेंडिंग इश्यूज है तो वो भी हम डिस्कस कर चुके, तो रिमेनिंग पार्ट दैट वुड बी, आई थिंक इट वुड बी राइट. राइट, गिव मी ओनली 1 मिनट. सेकेंड पॉसिबिलिटी उस ट्रांजेक्शन को जो 30,000 था आज तक आपने रिपोर्ट नहीं किया, उस 30,000 को आपने आज तक रिपोर्ट नहीं किया. सो इसका मतलब आज भी टैक्स नहीं गया गवर्नमेंट को. सर रिकॉर्डिंग एनुअल मेंबर्स वालों को मिल सकती है, बाकी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है की जनरेट करना. आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट आज सिर्फ जितना हो सके आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए रिकॉर्डिंग में, ठीक है ना. अगेन कमिंग कि अगर मैं बात करता हूं 70,000 आई हैव रिपोर्टेड बट 30,000 आई हैव नॉट एट ऑल रिपोर्टेड. सो अगेन आप वो वर्ड याद रखना, द वर्ड ऑफ टेबल 4 इज द वर्ड मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. इट मीन्स इफ समथिंग इज नॉट रिपोर्टेड एट ऑल, अगर कोई चीज आज तक छूट गई है उसको रिपोर्ट करने का साधन क्या है, टेबल 4. सो दिस टाइम आई विल रिपोर्ट 70,000 एज वेल एज 30,000 बोथ 1 लाख इन द जीएसटीआर. 9 टेबल 4, सेल्स में कोई पॉइंट पेंडिंग रहा है मेरे हिसाब से, अब कोई सेल्स के रिगार्ड में कोई डाउट है तो पूछिए. अभी मैं वन बाय वन पॉइंट की बात कर रहा हूं, आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहा हूं. दोनों प्रॉपर्ली दिखाया तब आपने क्या किया. अच्छा अगर मैं बोलूं सेल्स के लिए आपका बेस क्या रहेगा, 3B रहेगा, 1 रहेगा या एक्चुअल रहेगा, आंसर वुड बी एक्चुअल रहेगा. एम आई राइट? क्योंकि अगर मान लो कोई 3B में भी छूट गया, 1 में भी छूट गया, तब भी आप उसको टेबल 4 में रिपोर्ट कर सकते हो. राइट, बिल्कुल सही अनिल जी. अगर कोई 3B में ज्यादा दिखा दिया तो उसको भी आप ठीक दिखा सकते हो. सेल्स 3B में ज्यादा दिखा दिया आप उसको ठीक कर सकते हो. ER1 क्या है मैडम, एक्साइज का कोई रिटर्न है? जब रिटर्न किया आपने, ठीक है ER1 में नहीं दिखाया, बट वो विद इन 6 मंथ अगर वो माल रिटर्न आ जाता है तो मेरे लिए वो ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं होता, मैं उसके ऊपर GST नहीं लगाऊंगा. ठीक है, इट मींस इट विल नॉट, इट विल बी आउट ऑफ द GST, इट विल नॉट बी रिपोर्टेड इन द GSTR9. अच्छा GSTR9 पूरे 12 महीने का रिपोर्ट करना है या 9 महीने का? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अंडरस्टैंडिंग सही है. अभी सेल्स के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं कहता हूं कि सर मेरा
एक्सपोर्ट, मेरा एक्सपोर्ट था एलयूटी वाला बट मैंने एलयूटी फाइल नहीं किया, क्या मुझे अब यहां पे रिपोर्ट जो करना है वो ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करना है या एलयूटी रिपोर्ट करना है? आंसर वुड बी एलयूटी रिपोर्ट करना है। अगर आपने कोई प्रोसीजरल नॉन कंप्लायंसेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो ट्रांजेक्शन एक्चुअल है वही रिपोर्ट करोगे। 9 की टेबल 9 को भी एक साथ लिंक करना जरूरी है, यहां पे मैचिंग नहीं करना मैडम वंदना मैडम, यहां मैचिंग नहीं करना, मैचिंग 9C में करना है अपने को। यहां पे सिर्फ मेरा जो एक्चुअल सेल है उसको रिपोर्ट करना है और उसका टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाना है। हो सकता है वो आपका ट्रांजेक्शन मैच करे या ना करे, अगर आपके लिए जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल है तो मैचिंग का काम बुक्स के साथ में जीएसटी 9C की टेबल 4 में होगा। इन्होंने सही क्वेश्चन पूछा, इनकेस ऑफ द लेस सेल्स कैन वी रिफंड बी क्लेम्ड इन द जीएसटी 9? आंसर वुड बी नो। रिफंड का पार्ट, सपोज करो आपने ज्यादा सेल दिखा दी 3B में, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 3B में आपने ज्यादा सेल दिखा दी बट थी एक्चुअल में कम सेल, थी सेल आपने दिखाई 10 लाख, थी मात्र 1 लाख रुपए, तो 10 लाख के ऊपर आपने गवर्नमेंट को टैक्स चुका दिया होगा, टैक्स तो 10 लाख के ऊपर चुक गया होगा, क्योंकि जैसे ही 3B में मैं 10 लाख की वैल्यू डालूंगा वो मेरा टेबल जो पेमेंट ऑफ टैक्स है वहां 10 लाख रुपए के ऊपर टैक्स ले लिया होगा। आज क्या करूंगा, 1 लाख रुपए दिखाऊंगा? बात बढ़िया क्वेश्चन है सर, जैसे ही आप 1 लाख रुपए दिखाओगे उसकी टैक्स लायबिलिटी भी जो 1 लाख रुपए के ऊपर बनती है वो दिखाओगे, यहां तक बात ठीक है? अब जाता हूं मैं टेबल 9 में, जीएसटीआर 9 की टेबल 9 आप ओपन कर ले, साथ में कुछ भी फॉर्मेट है जो भी है आप एक बार टेबल 9 जो बात करता है आपके लिए, मैंने जीएसटी 9 ओपन कर दिया है लाइव। जब यहां पे 9 पे क्लिक करोगे अब आपके पास ये टेबल आ रही होगी, देखो टेबल 4 टेबल 5 सेल के रिगार्ड में, 6 7 8 आईटीसी के रिगार्ड में, 9 टैक्सेस पेड की बात करता है। ध्यान रखना यहां पे जो चीज एडिटेबल है वो चीज ये एडिटेबल है, अगर आपने सेल को रिड्यूस किया तो टैक्स पेबल को भी रिड्यूस कर देंगे, ये वाला पार्ट एडिटेबल नहीं है, ये वाला पार्ट एडिटेबल नहीं है, बट ये वाला पार्ट एडिटेबल है, मतलब आप सेल इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो अकॉर्डिंगली टैक्स पेबल डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना कि अगर डिक्रीज होता है तो जीएसटी 9 के माध्यम से, जीएसटी 9 के थ्रू यू आर नॉट बी एबल टू क्लेम द जीएसटी रिफंड। रिफंड के लिए आपको सेपरेट RFD 01 फाइल करना ही होगा। अगर टैक्स ज्यादा बनता है, टैक्स ज्यादा बनता तो इसका रास्ता है मेरे पास में DRC 03। सेल के रिगार्ड में और कोई क्वेश्चन? अभी मैं रिवर्स चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, रिवर्स चार्ज टेबल 4G में आता है, मैं एग्री कर रहा हूं, रिवर्स चार्ज ऑल टुगेदर डिफरेंट डिस्कस करेंगे। रिवर्स चार्ज का दो इंपैक्ट है, वन इंपैक्ट इज ऑन टैक्स लायबिलिटी, सेकेंड इंपैक्ट इज ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट। नहीं,